देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 सिर्फ दंगल टीवी पर। नहीं नहीं कर सकता ऐसा, निहार मुझसे झूठ बोलकर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता रुचिता से मिलने। पूनम शांत हो जा, जरूर तुमने निहार को पट्टी पढ़ाई होगी, तुम्ही ने भेजा होगा उसे रुचिता के पास, बहन जो मानती हो रुचिता को अपनी। ये तुम्हारा किया धरा है, सब तुम्हारा किया धरा है। वो तुम दोनों बहनों ने मेरा जीना हराम करके रखा है। निहार को तो मैं खुद लेकर आऊंगी, हटो। माँ माँ एक बार बात तो सुनिए, माँ 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 प्लीज एक बार बात तो सुनिए। पूनम अकेले मत जाना, प्रतीक को आ जाने दे, उसके साथ चली जाना। ये कौन है प्रतीक? माँ ये मिस्टर वाधवानी है, शहर के टॉप लॉयर, यही पापा का केस लड़ने वाले हैं। मतलब आप लोग रुचिता को सजा दिलाने वाले हैं? जी आप सभी लोग बेफिक्र रहे, मैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग केस बनाऊंगा रुचिता के खिलाफ कि उसे उम्र कैद की सजा तो होकर ही रहेगी। मान निहार कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है। हेलो जी, मैं निहार गोयल बोल रहा हूँ जी, वो रुचिता के। जी मिस्टर निहार, मैं ये केस लड़ूंगा। आप ये केस सच में लड़ेंगे? जी मिस्टर निहार। थैंक यू सो मच, मैं बस अभी थोड़ी देर में आपके ऑफिस में आता हूँ। मेरे ऑफिस में रेनोवेशन चल रहा है मिस्टर निहार, हम यहाँ नहीं मिल पाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, कल आपके घर आकर मिलता हूँ। ठीक है, लेकिन प्लीज जितनी जल्दी हो सके रुचिता को प्लीज जेल से बाहर निकलवा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। Thank God. बस मॉम को कल वकील के आने पर कोई इशू ना हो। देखना चाचा, मेरे निहार जी मुझे यहाँ से बहुत जल्द ले जाएंगे। वो मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। वो मुझे निर्दोष साबित करने के लिए कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढ लेंगे। इतना विश्वास भी अच्छा नहीं होता रुचिता, बहुत केसेस देखे मैंने, अक्सर इस जेल में बहुओं को अकेले तड़पते हुए देखा है मैंने। बहू की बदनामी का दाग कोई अपने सर नहीं लेता। नहीं चाचा, मेरे निहार जी और मेरा परिवार ऐसा बिल्कुल नहीं है, सच पता चलते ही वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे, आप देखिएगा। ये मंदिर में घंटी कौन बजा रहा है माँ जी? पता नहीं, चल चल कर देखते हैं कौन है। निहार ये क्या कर रहे हो, इतनी जोर जोर से मंदिर की घंटी क्यों बजा रहे हो? ये लीजिए मॉम, आरती। किसकी लंबी उम्र की दुआ कर रहे थे, तुम्हारे पापा की या फिर तुम्हारे पापा को इस हालत में पहुंचाने वाली उस रुचिता की? दोनों की मॉम, क्योंकि आज खाटू श्याम जी ने मेरी प्रार्थना कबूल कर ली। क्या मतलब? मतलब ये दादी कि मुझे सब सच पता चल चुका है। पापा को नुकसान पहुंचाने वाली रुचिता नहीं थी बल्कि कोई और था। अब तो निहार मुझे जेल भेज के रहेगा, मैं उसके पैर पकड़ लूंगी कि वो ऐसा ना करे। निहार बेटा, ये वीडियो वीडियो चल गया।